मैं साकिब से और आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। मैं आपसे अपनी बहन की खुशियों की भीख मांगता हूँ। सालों बाद इस घर में खुशियां आई हैं। हसन के बाद अब इस घर में छोटा बच्चा आया है। साकिब की औलादों की आवाजों से इस घर की दरो दीवार गूंज उठेंगे। सारी उम्र सर उठा के जिया हूं मैं। इतनी इज्जत कमाई के किसी के आगे झुकना ना, लेकिन आज अपनी ही पाक दामन पाकीजा मासूम बहन को उसके घर पे छोड़ते हुए ऐसे सर झुकाना पड़ा जैसे सारी दुनिया का कसूरवार मैं ही। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। क्या बात है साकिब, क्या बात करना चाह रहे हो तुमसे? पहले आप वादा करें कि मेरी बात मानेंगी और गुस्सा नहीं करेंगे। साकिब, तुमने मुझसे आज तक ऐसी कोई बात की ही नहीं है कि मुझे गुस्सा आए। बोलो क्या बात करनी है, कुछ राबी के बारे में कहना? उमर के बारे में। उमर? उमर के बारे में तुम्हें मुझसे बात करने की क्या जरूरत है? देखिए आप ही, बच्चों के दिलों दिमाग में ऐसा बहुत कुछ होता है जो वो जाहिर नहीं कर सकते, और हम बड़े उनकी जाहिरी हरकतों को लेकर उनके अंदर के जज्बात को कभी समझ ही नहीं पाते। उमर तो अपनी हर ख्वाहिश हर फरमाइश तुमसे कर देता है। उमर ने आपके फोन से जहांगीर को फोन किया था। कब और क्यों? मिलना चाहता है अपने बाप से, वक्त गुजारना चाहता है उसके साथ। जहांगीर का फोन आया था मुझे, आज लेने आएगा और कल ही उमर को वापस छोड़ जाएगा। मना मत करना प्लीज। ये आज एकदम से तुम्हारी सोच और अंदाज कैसे बदल गए? नहीं आपी, मैंने सुना था कि एक बाप को अपनी औलाद से तभी प्यार होता है जब उसको पहली बार गोद में लेता है। आज एहसास हुआ कि ये सब कितना गलत है। मुझे तो अपने बाप बनने की आज ही खुशखबरी मिली है, और अपने आने वाले बच्चे के एहसास ने मुझे इतना बेचैन कर दिया कि मैं कब उसे अपनी गोद में उठाऊंगा, कब उसके साथ खेलूंगा। इससे मुझे यह एहसास हुआ कि जहांगीर भी एक बाप है। एक बाप है। अब तुम भी जहांगीर की जबान बोलने लगे? नहीं आपी, ये उसका हक है। मैंने आपकी कभी किसी बात से इनकार नहीं किया, आज आप भी नहीं करना। आज तुम मुझसे जहांगीर के हक की बात कर रहे हो, कल को उसने जो ज्यादतियां मेरे साथ की हैं, तुम उनको भी भुला देने की बात करोगे? आपके साथ जो भी ज्यादती की है जहांगीर ने, उस पर कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। सिर्फ एक बाप की हैसियत से उसे अपने बेटे से मिलने दे। साकिब, तुम मुझसे उस बात की जिद करो जो मैं पूरी कर सकूं, समझे तुम? मुझे पता था मामा मुझे कभी भी बाबा समझने की इजाजत नहीं देंगे। फिक्र मत करो, मैं अगले वीकेंड के लिए तुम्हारी मामा से इजाजत ले लूंगा।
जा अपने कमरे में जाके खेलो, टेंशन नहीं लेना। आज जिंदगी में पहली बार जहांगीर की परेशानी और उसके दुख का एहसास हुआ है मुझे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ साकिब, मैं आ रहा हूँ उमर को लेने के लिए। जहांगीर, मैंने यही बताने के लिए फोन किया है कि आज नहीं, आज घर पे कुछ गेस्ट आ रहे हैं, तुम नेक्स्ट वीक आ जाना। तो कोई मसला नहीं है, मैं रात में थोड़ा देर से आ जाऊंगा। नहीं नहीं, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो, आज नहीं प्लीज। अच्छा चलो ठीक है, वैसे भी तुमने मेरे लिए इतना किया है बहुत काफी है। कोई बात नहीं, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। तो फिर परेशान क्यों है? बिल्कुल भी परेशान नहीं। तुमने जूस पिया? पी लिया। इधर आ। आपके फोन से जहांगीर को फोन किया, मिलना चाहता है अपने बाप से, वक्त गुजारना चाहता है उसके साथ। मना मत करना प्लीज। मैंने सुना था कि एक बाप को अपनी औलाद से तभी प्यार होता है जब उसको पहली बार गोद में लेता है। मुझे तो अपने बाप बनने की आज ही खुशखबरी मिली और अपने आने वाले बच्चे के एहसास ने मुझे इतना बेचैन कर दिया कि मैं कब उसे अपनी गोद में उठाऊंगा, कब उसके साथ खेलूंगा। इससे मुझे यह एहसास हुआ कि जहांगीर भी एक बाप है। अभी दो दिन नहीं गुजरे खबर मिले हुए और ख्यालात इतने बदल गए। बाप के रिश्ते का इतनी शिद्दत से एहसास हो गया है इसे। तैयार हो जाओ बहन, मीठे और नर्म लफ्जों में यह ऐलान जंग भी हो सकता है। जब सारे कबाब बन जाएंगे ना तो तुम इन्हें फ्रीजर में रख देना और उसके बाद अच्छी तरह हाथ धोकर मीठा बना लेना। जी 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 जी। ये भी लो ना। अरे आंटी, आप क्यों किचन में आ गई? मैं आ रही थी ना, आप जाए मैं देख लेंगे सारे काम। अरे बेटा कोई जरूरत नहीं है, तुम जाके आराम करो। है मैं सुबह से आराम कर करके थके, अब आप जाके थोड़ा आराम करो। अरे बच्चे, कभी कभी तो ये मौका मिलता है मुझे, अब जब कर रही हूँ ना तो करने दो मुझे। हाँ चलो फिर मैं भी आपकी हेल्प करती हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है, ऐसा करो कि तुम ना यहाँ बैठो, जरा यहाँ बैठो और दो मिनट में सालन तैयार होने वाला है, चक्कर बताना कि कैसा बना है। ठीक है ठीक है, चलो अभी जल्दी करो ना, मीठा भी बनाना है ना और ये सलाद भी बस हो गया। देख लें आप ही, मैं क्या कह सकता हूँ आपको। ऐसे कमजोर तो मत बनो साकिब, वरना हसन को मौका मिल जाएगा अपनी मनमानी करने का। मैं नहीं चाहती कि मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद हो, मैं तो अपने भाई के लिए कोई रावी जैसी ही लड़की ढूंढ के लाना चाहती हूँ। ठीक है, आप फिर टाइम ले लें उनसे। उमर,
बेटा ये अंदर फुटबॉल खेलने की जगह नहीं है, क्या कर रहे हैं आप? या मत खेलो। अरे उसे छोड़ो, तुम मेरी बात सुनो। जी बताएं, आप ही क्या कह रही थी? मैं ये सोच रही थी कि अगर लड़की हमें पसंद आ जाती है तो उसके घर जाते हैं और रिश्ते की बात। देखा, लग गया ना मामी को। मना कर रहा था ना मैं तुम्हें। राबी तुम ठीक तो हो? नहीं साकिब, जोर से नहीं लगा। समझाया करें इसको आप ही। दिन लगेंगे वापस आने में। कब है पाकिस्तान? तो फिर कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बहुत अच्छा। अच्छा एक काम करो, जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं आ रहा हूं पिक करने। अरे बाबा मैं रेडी हूं, तुम आराम से आना, ठीक है? ड्राइव सेफली। ओके बाय। कोई बम नहीं गिरा दिया था उमर ने राबी पर, जरा सी ठेस पहुंची है, कोई जख्म नहीं आया, कोई चोट नहीं लगी। साकिब ने इस कदर शोर मचाया कि बस। ठीक कह रही हो, प्यार से भी समझाया जा सकता था, पता नहीं क्या हो गया साकिब को। प्यार तो साकिब निछावर कर रहा है राबी पर आजकल, उसके बच्चे की माँ जो बनने वाली है। इस कदर साकिब ने उस लड़की को सर पर चढ़ा लिया है ना, एक ना एक दिन मुसीबत बन जाएगी साकिब के। समझाऊंगी मैं किसी वक्त साकिब को, करूंगी बात उससे। अगर सख्त नफरत महसूस हो रही है मुझे कि बस, क्या जरूरत थी राबी के घर वालों को खाने पे बुलाने की? मैं क्या करूं फिर, मैं क्या कह सकती हूँ? बेटा है, उसकी ससुराल वाले हैं। नहीं, क्या जरूरत थी आपको बुलाने की? फालतू में बुला के बिठा लिया उनको, ऊपर से वो भी अब जो है वो फिरती रहेगी मुंह बनाकर। मुझे तो लगता है अब मैं आपको बर्दाश्त नहीं होती इस घर में, नई खुशी जो आने वाली है। फिर किसको याद रहेगा कि कौन गौहर कौन उमर? अरे बेटा ये तुम कैसी बातें कर रही हो, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया है? आपको तो बस राबी ही नजर आती है चारों तरफ। तुम जानती हो कि वे किस हाल में है? अम्मी आप भी उस हाल से गुजरी है, मैं भी उस हाल से गुजरी हूँ, वो कोई अनोखा बच्चा नहीं पैदा कर रही। अच्छा अच्छा ठीक है, मैंने उसे समझा दिया है, अब वो अपना ख्याल खुद ही रखेगी।
और बेटा ये तुम क्या गलत सलत बातें सोचती रहती हो, पता है ना तुम्हें कि तुम मेरी कितनी प्यारी बेटी हो, मेरी जिंदगी हो, मेरी जान हो। तो साकिब को पता नहीं क्या हो गया? क्यों, क्या हुआ? उमर को भिजवाना चाह रहा था जहांगीर से मिलवाने के लिए, मैंने तो साफ मना कर दिया। बहुत अच्छा किया, अगर इतना ही तड़प रहा है ना तो मान जाए हमारी बात, रखे अलग घर में तुम लोगों को। जहांगीर नहीं मानेगा, मैं अच्छी तरह जानती हूँ उस आदमी को भी और उसकी जिद को। मेरी जिद की बात हो रही है? तुम्हारी बात नहीं कर रही थी मैं। लेकिन मैं तो अपनी बात करने आया हूँ। फरवा दुबई से वापस आ गई है, कल आपको, अम्मी को और भाई भाभी को लेकर जाना है उनके घर। अरे कुछ भी मत कहना क्योंकि फजूल होगा, मैं नहीं सुनने वाला। ठीक है, थैंक यू, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। लेकिन हम घर वाले उसके घर नहीं जाएंगे। तो पहले मैं मिलूंगी फरवा से। ठीक है, कब मिलना है आपको? जब तुम चाहो। राबीब, इतना तो तुमने खाया नहीं है जितनी बार उल्टी कर ली है। मैं अम्मी को बुला के लाता हूँ। नहीं साकिब, प्लीज किसी को भी बुलाने की जरूरत नहीं है, बहुत लेट हो रहा है। अच्छा चलो तुम्हें इमरजेंसी में लेके चलता हूँ। नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं है। मेडिसिन है मेरे पास, आप पानी दे दें। ओके। मामा, मामा उठे ना। यहाँ बात है, वह क्यों तंग कर रहे हो? मुझे मेरे शूज नहीं मिल रहे। मुझे क्यों उठा रहे हो? जाओ जाके राबी मामी से पूछो, वो सो रही है। जाओ ने जाकर जगाओ। साके मामू ने मना किया जगाने का। जल्दी ले आओ साना, इधर रख। जबरदस्त, आप जाओ। क्या मुसीबत है, तुम अपनी चीजों का ध्यान क्यों नहीं रखते हो? हर बार ये चाहते हो गायब हो जाती हूँ। उमर का नाश्ता तैयार कर दिया मैंने। अरे इसके शूज नहीं मिल रहे हैं स्कूल के, मैं जाकर राबी से पूछने वाली थी। नहीं नहीं, राबी के पास मत जाइएगा, वो अभी एक घंटा पहले ही सोई है, सारी रात उसकी तबीयत खराब रही। मैं इसके शूज ढूंढ दूंगा, आप बेफिक्र हो जाएं। मुझे नहीं खाना था ये। अरे ये तो मामू का भी फेवरेट नाश्ता है, और तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे लिए क्या लंच पैक किया, सरप्राइज है उसमें आज। कल दोपहर को स्कूल से आकर यूनिफॉर्म कहाँ चेंज किया था? मुझे क्या पता। आप ही ये बिलावजह आपको परेशान कर रहा है, आप जाकर अपने कमरे में सो जाए प्लीज। ड्रामे है तबीयत खराबी के। इधर आओ रुखसाना, रुखसाना देखो क्या बुराई नाश्ते में। रुखसाना जल्दी सोकर कमरे में जाओ चुपके से, और देखो जूते वहीं पड़े होंगे। जाओ शाबाश। चलो ये मैंने तुम्हारे लिए सैंडविच बनाया, इसको टिश्यू में रैप करके रखा था, ये देखो विद चीज, तुम्हें पसंद है ना चीज, चलो खाओ। तुम महारानी बन के आराम कर रही है, हमारी नींदें हराम कर दी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाश्ता लगा दूं बीबी जी? हाँ प्लीज जल्दी से, मुझे बहुत भूख लग रही है। नींद पूरी हो गई तुम्हारी? आप ही, वो रात में मैं ठीक से सो नहीं सकी तो। साकिब ने बताया था मुझे उमर स्कूल से आ जाए तो। हेलो, बिल्कुल ठीक हूँ साकिब, आपको आने की जरूरत नहीं है। नाश्ता कर लिया तुमने?
जी वो रुखसाना नाश्ता बनाने के लिए गई है। जी जी ठीक है। तोबा, पागल ही हो गया है साकिर, इतनी फिकर है जैसे पता नहीं। साकिर क्या हो गया, आराम से बात करो। आराम से बात करने का वक्त चला गया आप ही। उन लोगों ने क्या रिश्ता देने से इनकार कर दिया? सवाल मत पूछे, आप ही जवाब दें। जो गलत बयानी की है आपने। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। कैसी लगी फरवा? मुझे तो अपनी सोच से भी ज्यादा पसंद आई, बहुत अच्छी लगी। देखा मैंने कहा था ना फरवा बहुत अच्छी, आपको अच्छी लगेगी। आप खामखा जिद करी थी अलग से मिलना है, अभी सब साथ जाते तो मेरा रिश्ता हो चुका होता। असन तुम तो बिल्कुल बच्चों की तरह बावले हो रहे हो। अब एक काम करता हूँ, अभी आपको घर ड्रॉप करके ऑफिस चला जाता हूँ, उनसे शाम का टाइम ले लेता हूँ, शाम में सब साथ चलेंगे। पहले मैं और अम्मी जाएंगे, वो भी आज नहीं कल। क्यों अभी, मुझे भी तो चलना चाहिए ना साथ। हाँ हाँ चले जाना, मगर बाद में, पहले हमें तारीख तो तय करने दो, फिर रस्में शुरू कर देंगे। लेकिन अभी हसन सब कुछ तो तुम्हारी मर्जी से हो रहा है, अब और क्या चाह रहे हो? अब जो मैं कह रही हूँ उस पर अमल करो, ठीक है? और सुनो, उन लोगों का एड्रेस मुझे भेज देना। ठीक है अभी। उमर क्या कर रहे हो? मेरे दिल चाह रहे, मैं इसके ऊपर चढ़ रहा हूँ। ये कोई चढ़ने वाली जगह है? गिर जाओगे तो लग जाएगी ना। आराम से बात करो राबी, तुम डांट क्यों रही हो उमर को? आप ही, मैं डांट कब रही हूँ? टेबल पे चढ़ रहा था, अगर गिरेगा तो लगेगी ना इसे चोट। मुझे देखकर बातें बनाने की जरूरत नहीं, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हें आदत पड़ गई इसे डांट टपट करने की। मैं बच्चे को क्यों डांटूंगी? तुम नहीं डांटोगे तो तुम्हारा शौहर डांटेगा। जरा सी ठेस लगी थी उमर की बॉल से तुम्हें, इस कदर बावेला मचाया तुमने, साकिब ने शोर मचाया तब जाकर तुम्हें तसल्ली हुई, इतना चीखा वो उमर पर। तुम भी माँ बनने वाली हो, तुम्हें भी बहुत सी चीजें सोचने समझने की जरूरत है कि बच्चों से डील कैसे करते हैं, उन्हें अच्छे बुरे की तमीज कैसे सिखाते हैं, उनसे बात कैसे करते हैं। मेरे बेटे की तो तुमने शख्सियत तबाह कर दी है टोक टोक कर।
शुक्र है कि फरवा तुम्हें पसंद तो आई। जी, कल मुझे और आपको उसके माँ बाप के घर मिलने जाना है उनसे। हाँ, इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम राजी हो। मैं तो राजी हूँ, अब देखते हैं वो लोग राजी होते हैं कि नहीं। चलो पानी पियो। वैसे ये रंग तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। चार दिन पहले इसको टेस्ट याद करने के लिए दिया था, पिछले तीन दिन से उसकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। आज टेस्ट लिए, रिजल्ट जीरो। इधर आ। सुन रहे हो क्या कह रहे हैं सर? क्यों नहीं याद किया? कुछ समझ में आ रहा है? साकिब, मैं सिर्फ आपकी खातिर इस पर बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहा हूं, बहुत मेहनत कर रहा हूं, लेकिन ये पढ़ना ही नहीं चाहता। इसका ध्यान सिर्फ बातों पर होता है। चलें इस बार छोड़ दें, मैं इसको समझाता हूं, अगली बार आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। जाओ उधर, बैठो अपनी मां के पास, समझा दें इसको। आप ही 24 घंटे गेम्स में दिमाग लगा रहता है, पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है इसको। चार दिन सिर्फ अपने नए टीचर से पढ़ा इसने, उसके बाद फिर वही कंप्लेंट्स। टीचर कहता है उनकी बात को इग्नोर करता है, और जब पूछो तो जवाब देता है आगे से कि नहीं पढ़ना मुझे। हाँ तो हर वक्त नहीं पढ़ सकता मैं। इधर देख के बात करो, यहाँ खड़ा हूँ मैं, क्यों नहीं पढ़ सकते हर वक्त? साकिब क्या हो गया, आराम से बात करो। आराम से बात करने का वक्त चला गया आप ही। एग्जाम सर पे है, वो भी फाइनल एग्जाम। मैंने तुम्हारे टीचर को प्रॉमिस किया है कि अब तुम उन्हें तंग नहीं करोगे। अगर अब कोई कंप्लेन आई ना उमर, तो आप ही बता दें इसको कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? बहुत गंदे मामू, हर वक्त डांटने लगे हैं। मुझे यहाँ पे नहीं रहना, अपने घर जाना है। मामू बहुत बदल गए हैं। वो तो मैं भी देख रही हूँ, साकिब का रवैया बदलने की वजह से और लोगों के भी रवैये बदल रहे हैं मुझसे। मम्मी, बहुत सख्ती से उमर को डांट के आए हो कमरे में पढ़ाई के मामले में, बिल्कुल नहीं पढ़ता है। आप बस थोड़ी देर में जाके प्यार से समझा दीजिएगा, और इस बात का ध्यान रखिएगा कि मेरा डर रहे। ठीक है। मैंने उमर की पैदाइश के कपड़े अम्मी के पास रखवा दिए थे, अब एक आध दिन में मैं निकालती हूँ, फिर राबी उनको देख ले, जो समझ आए वो रख ले। जी आप ही। क्या जरूरत थी आप इतने पुराने कपड़े संभाल के रखने की, किसी जरूरतमंद को दे देते। अरे ब्रांडेड कपड़े हैं, बिल्कुल नए, मैं कैसे किसी गैर को दे दूं? तुम्हारे बच्चे के काम आएंगे। दे दें किसी गरीब को आप ही, उसके काम आ जाएंगे। हमें वैसे भी किसी चीज की कमी तो है नहीं, दुआएं मिल जाएंगी, हम अपने बच्चे की शॉपिंग कर सकते हैं, और वैसे भी हमें बहुत एक्साइटमेंट है उसकी शॉपिंग करने की। साकिब, हम कपड़े देख लेंगे ना उमर वाले, और फिर उसके बाद जिस चीज की भी जरूरत होगी वो हम ले लेंगे। नहीं, हम उसके लिए हर चीज नहीं लेंगे। और बात सुनो, आज पूरा दिन बहुत आराम किया तुम, चलो उठो शॉपिंग करना शुरू करते। हाँ बेटा, जरूर चली जाओ शॉपिंग के लिए, अच्छा है थोड़ा फ्रेश हो जाओगी। चलो उठो। दिमाग देखे आपने दोनों के, सातवें आसमान पे चढ़े हैं। गौर, तुम क्यों नहीं समझती, पहले बच्चे की एक्साइटमेंट ही बहुत ज्यादा होती है।
अभी थोड़ी देर पहले माथे पर बल डाले उमर को इतनी बुरी तरह डांट रहा था ये, और अब बेगम के सामने इस कदर खुश मिजाजी, नए कपड़े चाहिए। अरे रहने दो ना, भूल भी जाया करो इन बातों। हाँ। इतने अरसे से उमर इस घर में आया हुआ है, मजाल है जो जरा सा भी साकिब को ख्याल आया हो कि उमर बड़ा हो रहा है, उसको नए कपड़े जूते चाहिए। जो बच्चा अभी दुनिया में आया नहीं, उसके कपड़ों की इनको फिक्र लगी हुई। राबी, मुझे यकीन नहीं आ रहा हमने अपने होने वाले बच्चे के लिए शॉपिंग की। कितने क्यूट रॉम्बस थे। मुझे तो सारे कपड़े बहुत प्यारे लगे। साकिब, आपको ना आप ही को इस तरह से मना नहीं करना चाहिए था। अरे मैंने क्या मना किया? अपने बच्चे को दुनिया की हर चीज देना चाहता हूँ जो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। तुम इतना मत सोचा करो। आपका फेवरेट ड्रेस कौन सा था? मेरे वो व्हाइट वाला रॉम्ब। कितने छोटे उसके स्लीव्स थे, इतने छोटे से हाथ होंगे। लीजिए, आ गया महारानी फरवा का घर, जो हमारे सरों पे राज करने के ख्वाब देख रही है। चले चलो चलो। तो सुनने में यह आ रहा है कि आप ही को फरवा से मिलवा दिया गया और आप ही उसके घर भी जा रही हैं। ये बात हमसे क्यों छुपाएगी? छोड़े ना भाई, देखिए बड़ी बात तो ये है कि आप ही को फरवा अच्छी लगी है, और हो सकता है शायद आज ही बात फाइनल हो जाए। ठीक है, लेकिन इस खुशी से मुझे और राबी को क्यों महरूम रखा जा रहा है? भाई आप दिल बुरा ना करें, आपको पता है ना आप ही का हर काम अपनी मर्जी से करती है वो। बहुत मुश्किल से अग्री किया मैंने उन्हें, जैसा उन्होंने कहा मैंने उनकी हर बात मानी, उनके सामने सर झुकाया है। बस उनका कहीं मूड खराब ना और मेरा काम धरा का धरा ना रह जाए। अच्छा है, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें तुम्हारी खुशी मिलने वाली है। नहीं भाई, मेरी हर खुशी आपकी खुशी के बगैर अधूरी है। बस आप दिल बुरा ना करें और मेरा साथ दें। ओए, दिल बुरा क्यों करूं? मैं बहुत खुश हूं तुम्हारी दिल से। साहब दुआ करें कि आप ही को वहां कुछ बुरा ना लगे। कुछ बुरा नहीं लगे, अल्लाह पे भरोसा रखो, तुम्हारी नियत साफ। अब इतनी बड़ी चीज हो गई, मुझे ट्रीट मिलनी चाहिए। खुशी हुई आप लोगों से मिलकर। हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। अच्छा, तो फिर हम अच्छी उम्मीद लेके जाएं यहां से। असल में बहन, मैं तो बेटियों के रिश्ते में देर करने की बिल्कुल हक में नहीं हूं, और फिर हसन तो मेरी फरवा की चॉइस है ना, और मुझे तो फरवा की चॉइस पर पूरा भरोसा है। अगर आप आज हसन को भी साथ ले आती तो मैं आज ही फाइनल कर देता ये रिश्ता। एक्चुअली हसन आजकल अपना नया बिजनेस सेटअप करने में बहुत मसरूफ है। अच्छा, वो एक साल के लिए लंदन जा रहा है। हसन ने ऐसा कुछ मुझसे तो नहीं कहा? अच्छा, ओहो, शायद नए बिजनेस की वजह से और शादी खुशी में आप लोगों को बताना भूल गया। यही वजह है कि हम चाहते हैं कि शादी जल्दी हो जाए, फिर फरवा हमारे साथ रहेगी। अच्छा है ना, वो हमारी फैमिली को भी समझ जाएगी, हम सबके साथ एडजस्ट कर जाएगी। वैसे भी राबी एक्सपेक्ट कर रही है, जरा उसे भी हेल्प हो जाएगी, मम्मी को भी आराम मिल जाएगा।
अरे मेरा बेटा, कैसा है? कैसा मेरा शहजादा? मैं आपका इतने दिन से इंतजार कर रहा था, आप मुझे लेने क्यों नहीं आए? वो बस बेटा, काम में थोड़ा सा बिजी था इसलिए नहीं आ सका। अच्छा ये देखो, तुमने ये वाले गेम्स बोले थे ना, देखो सारे ले आया मैं। वाह बाबा, मुझे यही गेम्स चाहिए थी। है ना? अब आप मुझे घर लेके जाएंगे ना? अभी थोड़े दिन मुझे जरा काम ज्यादा है, जब खत्म हो जाएगा ना फिर ले जाऊंगा। आप हमेशा यही कहते हैं। हाँ, लेकिन उनको बोल दो कि इस बारे में मजीद डिस्कशन हम बोर्ड मीटिंग में करेंगे। हाँ, मैं और वो सारे ही बैठेंगे, जब हो जाए तो मुझे बता दें। ओके। आपने जहांगीर भाई को बुलाया? हाँ, काफी दिनों से टाल रहा था उसे, और फिर उमर भी अपने बाप को मिस करता है, थोड़ा सा उदास लग रहा था मुझे। आप ही बहुत नाराज होंगे आपसे। अगर उमर नहीं बताता उन्हें तो मैं भी नहीं बताऊंगा। मतलब आप छुपा लेंगे कि जहांगीर भाई आए थे यहाँ? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि जब तुम्हें वो लड़की और उसके घर वाले पसंद आ गए थे तो आखिर तुमने झूठ किस लिए बोला? लगता है आपको वो लड़की बहुत पसंद आ गई है। हाँ भाई, जब तुमने पसंद कर लिया तो मैं कैसे ना पसंद करती? मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं आई है, मेरी मजबूरी है। हसन का रवैया देखा था, किस कदर गुस्सा आया हुआ था, कितना जारहाना हो रहा था वो। चलो मजबूरी ही सही, लेकिन पसंद तो कर लिया था ना। गौहर, आखिर तुम चाह क्या रही, बताओ जरा मुझे। अम्मी, इस वक्त मेरा दिमाग मत खराब करो, जो कुछ मैं चाह रही हूँ जब वो हो जाएगा आपको पता चल जाएगा। इसलिए मुझे अपने साथ नहीं लेकर जाना चाह रही थी आप, इसलिए मना किया था आपने? क्या कहना चाह रहे हो हसन? क्या कहा है आपने वहां पर? कब जा रहा हूं मैं लंदन? और मैं लंदन चला जाऊंगा और वो एक साल तक यहां रहेंगी? क्यों झूठ बोला आपने आप ही? क्यों? उन लोगों ने क्या रिश्ता देने से इनकार कर दिया? सवाल मत पूछें, आप ही जवाब दें। क्यों गलत बयानी की है आपने? हसन, लोगों को जांचने और परखने के भी कुछ तरीके होते हैं। उस लड़की से मैंने ये बात इसलिए कही कि मुझे अंदाजा हो कि वो तुमसे और तुम्हारे घर वालों से कितनी मुखलिस है। अपने तरीके अपने पास रखें आप। रिश्ता सिर्फ लड़के और लड़की का नहीं होता है, एक खानदान का दूसरे खानदान के साथ होता है। खैर, इस वक्त तो तुम इस कदर गुस्से में हो कि मैं कुछ भी कहूंगी तुम्हें कोई बात समझ ही नहीं आएगी, लेकिन तुम खुद सोचो कि हम उस लड़की के पास गए और उसने फौरन तुम्हें फोन कर, कल को वो लड़की हमारे घर आएगी तो वो तो जरा सी भी बात बर्दाश्त नहीं करेगी। बातें सिर्फ आपकी होती हैं आप ही, जो कि मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होती, वो क्यों बर्दाश्त करेगी? हसन भाई, बस बस बहुत हो गई।